नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू में इस समय ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आज जो है हल्की फुल्की धूप निकली हुई है। आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर के मौसम का क्या रहेगा हाल, जानते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद जी से कि क्या कुछ कहते हैं कि आने वाले 10 दिन में मौसम कैसा रहेगा। अभी मौसम जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर, अल्बत्ता यहाँ कश्मीर वैली के अंदर कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा और जो सेंट्रल कश्मीर का खासकर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के एक दो है, इसमें बिल्कुल लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। अदर देन दिस वेदर अभी 24 तक ड्राई रहेगा और 25 से जो है थोड़े वेट स्पेल के चांसेस हैं, हल्की बारिशें बर्फबारी कुछ जगहों पे हो सकती है जो डिफरेंट मॉडल्स के जो इंडिकेशन है, तो कमिंग डेज में इसमें हम और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और अभी जम्मू डिवीजन के अंदर जो डेंस फॉग है वो कल जो है थोड़ी सी राहत मिल सकती है, खासकर 17 को, फिर उसके बाद 18 से जो है फिर से फॉग जो है एक बार फिर रीडेवलप होगा और जो डेंस फॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 24 तक। बीच बीच में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है क्योंकि 20 तारीख के आसपास भी एक ट्रिपल डब्ल्यू डी है, तो 20 को भी थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी मोर और लेस फॉग जो है कंटिन्यू रहेगा टिल 24 और दिन में जो डे कोल्ड डे लाइक कंडीशन है वो कंटिन्यू रह सकता है जम्मू डिवीजन के अंदर। जी सर, पहली बार मतलब 25 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जम्मू में जो है इस बार ठंड बहुत ज्यादा हुई थी कश्मीर के रिगार्डिंग, अगर देखा जाए तो कश्मीर में भी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, जम्मू में बहुत ज्यादा सर्दी है, क्या रीजन मानते हैं आप इसका? जी देखो, आपका एक तो फॉग एक दो दिन के लिए रहता है वो अलग बात होती है क्योंकि टेम्परेचर में जो इतना ज्यादा गिरावट नहीं आता है, और अब मुसलसल लास्ट लगभग दो हफ्ते हो चुके हैं तो इस कारण जो है आपका कंटिन्यूस फॉग के कारण जो है दर्जा में काफी ज्यादा गिरावट आया है, तो इसकी वजह से जो है आपका कंटिन्यूस फॉग जो है मेन रीजन हो सकता है जिसमें ऑल डे लाइक कंडीशन जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। सर, एडवाइजरी जो लोग जम्मू से कश्मीर या कश्मीर की ओर आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइजरी देंगे? जी अभी वेदर वाइज तो कोई ऐसे एडवाइजरी नहीं है, अलबत्ता जम्मू डिवीजन के अंदर डेंस फॉग के कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा पुअर हो जाती है, तो लोगों को खासकर जो ड्राइव करते हैं नेशनल हाईवे के अंदर या श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से आपका पठानकोट पंजाब जाना होता है तो बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करें, और बिल्कुल जो जिस हिसाब से आपका जो ट्रैफिक का एक एडवाइजरी है कि फॉगी कंडीशन में कैसे चलाना है तो बिल्कुल उसका पालन करें और बहुत केयरफुली चलाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं लो विजिबिलिटी के कारण, तो यही हमारा मैसेज है। और सुबह शाम जो बच्चे वगैरह हैं जो एल्डर्स हैं वो जो है मास्क लगाएं क्योंकि पोल्यूशन काफी ज्यादा रहता है, तो मास्क लगाने के लिए भी खासकर सुबह शाम जो है हम लोगों को मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। जी सर, आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी कि अब देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आम जो है अर्थक्वेक जो है वो आम हो चुके हैं, अर्थक्वेक के जो न्यूज़ है वो सुनने को मिलती है, तो इसके पीछे जो ये इस समय का तापमान है जो डिप हो रहा है ये रीजन माना जा रहा है? ना, इसका कोई लिंक नहीं है, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल अफवाह है, ऐसे कोई इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। जी, थैंक यू सर, ग्रेटर जम्मू को इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना कि 23 जनवरी तक मौसम जो है इसी तरह से शुष्क रहने वाला है, यानी कि कहीं पर भी अभी जम्मू कश्मीर में बारिश या हल्की बर्फबारी की संभावनाएं जो है वो नहीं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से हमारी बातचीत भी हुई है। उनका ये कहना है कि बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो बाहर जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी ज़्यादा खुश्क है और ये मौसम जो है बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी हो सकता है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।